हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से काफ़ी लंबे अरसे बाद। दोस्तों, आज शुभ अवसर पर हम आज आए हैं माँ आदि शक्ति के टेंपल में। माँ आदि शक्ति का टेंपल काफ़ी शानदार है और ये सिचुएटेड है भटमोआ, बेसिकली सोनवाल की तरफ जो रोड आता है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं आज माँ आदि शक्ति के। जय शक्ति माता भटमुआ वाली। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो वीडियो क्लिप देख करके आप समझ ही गए होंगे कि जो मेरा आज का वीडियो है वो है शक्ति माता मंदिर भटमुआ के। शक्ति माता मंदिर भटमुआ जो कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसका जीर्णोद्धार और जो इसको नए तरीके से बनाया है वो हमारे XZP श्री कर्मचंद ठाकुर जी ने बनाया है। तो अगर आप भी माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं तो यहां आने के लिए आपको पहले भंजराड़ू बस स्टैंड आना पड़ेगा, वहां से झज्जा कोठी तक आपको बस लेनी पड़ेगी और वहां से आगे आपको आसानी से टैक्सी मिल जाएगी और झज्जा से आगे का यही वो रोड है। देखिए कितना सुंदर और विहंगम दृश्य है। इसी रास्ते से आप झज्जाकोठी से टैक्सी लेकर के माता रानी के दर्शन करने के लिए भटमुआ आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर माता रानी के दर्शनों के लिए। ये मंदिर का प्रवेश द्वार जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये है कुंड जो मंदिर के प्रांगण में है, बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। और ये जो पानी है ये सीधा माता के चरणों से होता हुआ यहाँ बाहर आकर के निकलता है। ये है मंदिर के दर्शन, अत्यंत मनमोहक। मंदिर में प्रवेश करते ही आत्मा तृप्त हो जाती है, एक अलौकिक सुख की अनुभूति होती है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि एक बार जरूर माता रानी के दर्शन करने के लिए आएं और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। जय माता दी। मंदिर का अद्भुत और नैसर्गिक सौंदर्य देखते ही बनता है। चारों तरफ देवदार के घने जंगल और ऊंची बर्फीली चोटियाँ और ये भव्य कुंड और इसमें पड़ती हुई बर्फ की बूंदें इसकी सुंदरता में चार चांद और लगा देती हैं। तो धीरे धीरे बर्फबारी भी तेज हो रही है, अब हमको भी अपने घर की तरफ निकलना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो माता रानी के नाम पर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।